देश प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर टीवी चैनलों पर लगातार चल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समाचारों का असर बच्चों पर भी नजर आया। कई बच्चे तो परिजनों से मास्क को लेकर जिद कर बाजार से मास्क लाकर पहनने लगे और कई बच्चे समाजसेवी संस्थाओं द्वारा बांटे गए मास्क देखते हुए देख मोहल्ले और ग्रामों में अपने हम उम्र के दोस्तों को मास्क बांटने की जिद के चलते मास्क बांट रहे। ऐसे ही एक 4 साल के बेटे दुर्वेश की जिद पूरी करते हुए पिता ब्रजेश यादव ने ग्राम हमीरपुरा के लगभग 150 से ज्यादा बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता अनिता मेवाड़े के माध्यम से बेटे ध्रुवेश के साथ घर घर जाकर मास्क बांटा। ये देख ग्रामवासियों ने ध्रुव का उत्साहवर्धन स्वरूप तालियां बजाई। मास्क बांटे मैंने आंगनवाड़ी बच्चों को आंगनवाड़ी बच्चों को मेरे दोस्तों को क्या बांटे मास्क क्यों बांटे पहनने की का मास्क देख के और मेरे बच्चों को बांटे मेरे दोस्तों को यादव के द्वारा पालक जन के माध्यम से जनपद सदस्य श्री ब्रजेश यादव के सहयोग से जन समुदाय में आंगनवाड़ी के बच्चों को बच्चा ध्रुव यादव के द्वारा आज मास्क वितरण किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता के अंतर्गत और सैनिटाइजर से बच्चों को हाथ धोने का भी वितरण बताया गया कि वो अपने हाथ नियमित 1 घंटे के अंतराल में धोते रहे और साबुन से सैनिटाइजर का उपयोग कैसे किया जाता है ये भी बच्चों को बताया गया। बड़वा से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।